Yeah, so hello everyone, Hitesh here. Today, we're gonna talk about the movie The Matrix Reloaded. ये मूवी मेरी सीरीज Matrix का सेकंड पार्ट है. वेल, इसे स्टार्ट करने से पहले आपको पहली मूवी के कुछ ब्रीफ्स दे देता हूँ ताकि आपको इस मूवी को समझने में थोड़ी और ज्यादा आसानी हो. Matrix, जिसे कि हम माया जाल भी कह सकते हैं, इसमें बताया गया है कि कैसे मशीनें इंसानी दुनिया पर कब्जा कर लेती है और इंसानों को अपने काबू में रखने के लिए उन्होंने एक कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाया है और इसी कंप्यूटर प्रोग्राम को ही हम Matrix कहते हैं. बेसिकली Matrix को हम एक वर्चुअल वर्ल्ड भी कह सकते हैं जो कि रियल वर्ल्ड के बिल्कुल अपोजिट होता है. ये पूरा वर्चुअल वर्ल्ड हमारे माइंड में चलता है. मशीनों ने सभी इंसानों के दिमाग को इस प्रोग्राम से जोड़कर इस मैट्रिक्स के वर्चुअल वर्ल्ड में कैद किया हुआ है. यहाँ पर सभी इंसानों को ऐसा लगता है कि वो सब कुछ अपनी एक असली दुनिया में जीकर नॉर्मली अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पर असल में वो सब लोग एक कंप्यूटर प्रोग्राम में फंसे हुए हैं जो कि बिल्कुल असली दुनिया जैसा लगता है. और इसी के साथ में इस मूवी की एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होती है, जहाँ पर हम देख पाते हैं ट्रिनिटी को जो कि इस बार एजेंट से बचकर भाग रही होती है. तभी वो भागते भागते एक बिल्डिंग में पहुंच जाती है जहां पर उसका पीछा कुछ एजेंट कर रहे होते हैं, मगर उनसे बचने के लिए ट्रिनिटी पास की खिड़की ग्लास को तोड़कर वहां से कूद जाती है. हालांकि वो एजेंट भी उस पर काफी गोलियां चलाता है, ट्रिनिटी भी उस पर गोलियां चलाती है, मगर एजेंट की गोली उसे लग जाती है. तभी इस कहानी के लीड कैरेक्टर यानी कि नियो की आंख खुल जाती है, यानी कि ये सब कुछ उसका एक सपना था जिसमें उसने ये देखा कि ट्रिनिटी को किसी एजेंट ने गोली मार दी है. लेकिन सच्चाई तो ये थी कि ट्रिनिटी इस वक्त भी उसके साथ में ही होती है, जहां पर वो उससे पूछती है कि आखिर तुम इतने परेशान किस बात से हो. तो नियो उसे अपने सपने के बारे में बताता है जिसमें उसने ट्रिनिटी को मरते हुए देखा और बताया कि एक एजेंट तुम्हें शूट कर रहा था. जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है वर्चुअल वर्ल्ड के सभी उन इंसानों पर जो कि इस वक्त जाग चुके होते हैं. इसका मतलब उनका दिमाग तो रियल वर्ल्ड में होता है और वो वर्चुअली इस दुनिया के अंदर एजेंट से बचकर अपने आप की एक मीटिंग कर रहे होते हैं. यहाँ पर बेसिकली उनका प्लान था कि वो किस तरीके से मशीनों से बचकर अपने रियल वर्ल्ड के अंदर इंसानों को बचा पाए और उन्हें एक नई जिंदगी दे पाए. जहाँ पर मॉर्फियस उन सभी को बताता है कि मशीनों ने जाइन सिटी पर हमला करने का एक बहुत ही बड़ा प्लान रेडी कर लिया है. जाइन शहर बेसिकली एक ऐसा शहर है जहाँ पर मशीनों से बचकर कुछ इंसानों ने जमीन के नीचे अपने आप को छुपा लिया है. हालांकि इनकी यहाँ पर ये प्लानिंग चली रही होती है और तभी हम देख पाते हैं कि उस वक्त वहाँ पर कुछ एजेंट्स पहुंच जाते हैं. यहाँ पर मैं आपको इन एजेंट्स का भी थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ. बेसिकली वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर इंसान जो कि यहाँ पर रह रहे हैं, ये हमेशा सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि ग्रेविटी का रूल, मोशन का रूल, अट्रैक्शन का रूल और रिएक्शन का रूल. मगर जो इन सबको तोड़ पाता है वो इन रूल्स के खिलाफ ऐसे काफी सारे काम कर सकता है जो कि इंसान नहीं कर सकते, और ऐसी ही कुछ पावर्स इन एजेंट्स के पास में होती है. मगर अब इस दुनिया के अंदर आ चुका था इनके सामने नियो जो कि था महान शक्तिमान और इसके पास में भी उन लॉस के खिलाफ ताकत थी, जहां पर अब इनके बीच में घमासान युद्ध सा हो जाता है. लेकिन अब जैसा कि नियो के पास में इनसे कुछ ज्यादा पावर्स होती है, इसलिए उन सभी को पेल पाल के हवा में उड़कर वहां से निकल जाता है. जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है रियल वर्ल्ड में, जहां पर ये दोनों ही अपनी अपनी बॉडीज से फिर से रिकनेक्ट हो जाते हैं. माया जाल यानी कि वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर निकलने के बाद में ये सभी अपना रुख जाइन सिटी की ओर मोड़ लेते हैं. जाइन सिटी में पहुंचने के बाद में वहां के लोग इन्हें देखकर काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि नियो आ चुका है जो कि हम सभी का मसीहा है. मॉर्फियस वहां पर उनके कमांडर से भी मिलता है. कमांडर मॉर्फियस को ये बताते हैं कि आज रात हमने एक जलसा भी रखा है, जिसे सुनकर मॉर्फियस कमांडर से कहता है कि आज रात होने वाले जलसे में हमें सभी लोगों को ये बताना होगा कि मशीनों की सेना इस जाइन सिटी पर हमला करने वाली है और हम सभी को उनसे लड़ने के लिए तैयार रहना होगा. कमांडर कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनमें तो काफी सारी औरतें और बच्चे भी हैं, एक जंग लड़ने के लिए वो काफी नहीं होंगे, और अगर हमने जंग की बात उनके सामने कर भी दी तो उन लोगों के मन में डर बैठ जाएगा. लेकिन मॉर्फियस कहता है कि अगर हमने उनसे सच्चाई छिपाई तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम में से कोई भी ना बचे. जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है उसी जलसे में, जहां पर जाइन सिटी के सभी लोग जो इस वक्त जमीन के काफी नीचे उन मशीनों से छिपकर जी रहे होते हैं, ये सभी एक ही जगह पर एक छत के नीचे इकट्ठा हो जाते हैं, जहां पर मॉर्फियस आकर उन्हें ये सच्चाई बताता है कि यहां हमारी जाइन सिटी में जल्दी ही मशीनें हमला करने वाली हैं, पर हमें डरना नहीं है, हम सभी को मिलकर उनका सामना करना होगा. जिसे सुनकर काफी लोग उसकी बात का समर्थन करते हैं, जोरदार नारे लगाते हैं. जहां एक तरफ तो ये सभी लोग हर्षोल्लास से अपने इस जलसे को मना रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्रिनिटी और नियो के बीच की दूरियां कम हो जाती है. इन दोनों के ही बीच में फिजिकल अटैचमेंट हो जाता है. जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, और वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर मॉर्फियस के कुछ साथी एजेंट से बचकर भाग रहे होते हैं, और हर बार जैसे ये टेलीफोन की बूथ के पास पहुंचकर कॉल के थ्रू अपने आप को ट्रांसपोर्ट कर लिया करते थे, वैसा ही इस बार भी करते हैं. मगर तब तक वहां पर एक एजेंट पहुंच जाता है और ये होता है एजेंट स्मिथ, जो कि लास्ट पार्ट के अंदर मारा गया था. अब ये जिंदा क्यों है और यहां तक कैसे पहुंचा, इसके बारे में मैं आपको आगे इस कहानी में बताऊंगा, जहां पर हम देख पाते हैं कि इस वक्त उसने उस दूसरे शख्स को उंगली करके उसे पूरी तरह अपने जैसा बना लिया होता है. यानी कि अब इस AI के अंदर इतनी पावर आ चुकी होती है कि वर्चुअल वर्ल्ड के इंसानों को भी सेम टू सेम अपनी तरह कॉपी कर सकता है. वहीं पर सीन शिफ्ट होता है जाइन सिटी में, जहां पर अब
नियो और उसकी टीम फिर से अपनी लोकेशन पर जाने लगते हैं जो कि ज़ैन सिटी से बाहर होता है। यहाँ पर इनका मेन मकसद था कि रास्ते में आने वाली मशीनों को रोकना, जिसके बाद में इनका पूरा क्रू अपने स्पेसशिप में बैठकर ज़ैन सिटी से काफी दूर निकल जाता है। उनके जाने के बाद में कमांडर जेड काउंसिल के मेंबर्स को कहता है कि हमें यहाँ से मॉर्फियस को यहाँ लेकर जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि हो सकता है कि हमारे ऊपर किसी भी वक्त हमला हो जाए, जिसके बचाव में ये यान हमारी मदद कर सकता था। मगर काउंसलिंग हेड उनसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो लोग जल्दी ही आ जाएंगे। बेसिकली इस वक्त तक नियो को ये बात समझ में आ चुकी थी कि मशीनों की तादाद उनसे कई ज्यादा है, और अगर सभी मशीनों को इंसानों पर हमला करने से रोकना है तो क्यों ना उनके एक्चुअल बॉस से जाकर बात करी जाए। और यही रीजन था कि नियो ने अपने क्रू मेंबर्स को ज़ैन सिटी से निकलने के ऑर्डर्स दे दिए थे। जहां पर हम देख पाते हैं कि नियो ने अगेन अपने माइंड को वर्चुअल वर्ल्ड से कनेक्ट करके अपने आप को मैट्रिक्स में पहुंचा दिया होता है, जहां पहुंचने पर वो सबसे पहले मुलाकात करता है ओरेकल से। जैसा कि हम जानते हैं कि मैट्रिक्स वर्ल्ड के अंदर ओरेकल हमेशा से ही नियो की मदद करते आ रही होती है। नियो ओरेकल से पूछता है कि क्या आप भी एक प्रोग्राम है मायाजाल का? मैं आप पर कैसे विश्वास करूं कि आप हमारी मदद ही कर रही हैं, क्योंकि आप ही की तरह कुछ प्रोग्राम्स ने हमें खत्म करने के बारे में सोचा और साथ ही हम पर हमला भी किया। हो सकता है कि आप भी उन मशीनों के लिए काम कर रही हो, क्योंकि आपको भी तो उन मशीनों ने ही तो बनाया है। तो ओरेकल उसके रिप्लाई में कहती है कि मैं सिर्फ वही काम कर रही हूँ जिसके लिए मुझे बनाया गया है। ये फैसला तुम्हारा है कि तुम मुझ पर विश्वास करना चाहते हो या नहीं। जिसके बाद में ओरेकल उसे एक बात और कहती है कि जिस वक्त तुम्हारे सफर का अंत होगा तब तुम इस मैट्रिक्स वर्ल्ड के रचयिता से मिलोगे, जिसने इस पूरे मायाजाल यानी कि मैट्रिक्स वर्ल्ड को बनाया है। वहीं पर तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। ओरेकल वहां से जाने लगती है, मगर तभी नियो से कहता है कि मैंने एक सपना देखा था जिसमें मैंने ट्रिनिटी को गोली लगते हुए देखा और वो जमीन पर गिरकर मारी गई थी। तो ओरेकल उससे कहती है कि क्या तुमने उसकी लाश देखी? तो नियो कहता है कि हर वक्त उस हादसे के बाद में मेरी आंख खुल जाया करती थी। जिसके रिप्लाई में ओरेकल कहती है कि अब तुम्हारे पास में फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को देखने की शक्ति आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि अब आगे तुम्हें बिल्कुल सही फैसले लेने होंगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो पूरी ज़ैन सिटी खत्म हो जाएगी। अगर तुम सभी लोगों को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मुख्य कंप्यूटर तक पहुंचना होगा और वहां जाकर रचयिता से मिलना होगा। वहीं पर तुम्हारे सफर का अंत होगा। उसी की मदद से तुम इंसानों और मशीनों के बीच होने वाले युद्ध को रोक सकते हो। साथ ही ओरेकल उसे ये भी बताती है कि मुख्य कंप्यूटर और रचयिता तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक चाबी वाले की जरूरत पड़ेगी। वही तुम्हारी वहां तक पहुंचने में मदद कर पाएगा, जिसके बाद तुम्हारी मुलाकात रचयिता से होगी और फिर तुम्हें कुछ फैसले लेने होंगे। ये कहकर ओरेकल वहां से चली जाती है, लेकिन तभी वहां पर एजेंट स्मिथ पहुंच जाता है। नियो स्मिथ को देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे तो ये लग रहा था कि उसने लास्ट पार्ट के अंदर उसे बिल्कुल खत्म कर दिया है। तो एजेंट स्मिथ उसे कहता है, जब आपने मेरे अंदर घुसकर मुझे मारने की कोशिश करी तो आपकी शक्तियों का कुछ अंश मेरे अंदर रह गया और उनसे मैंने अपने आप के प्रोग्राम को रीडेवलप कर लिया। मैं अब बदल चुका हूँ और अब मैं एजेंट भी नहीं रहा, मैं अब एक आजाद प्रोग्राम हो चुका हूँ। इसका मतलब ये कि ना ही मुझे कोई इंसान कंट्रोल कर सकता है और ना ही कोई मशीन। ये AI मेरी खुद की तरफ से चलता है। हालांकि नियो इन बातों को समझ नहीं पाता कि एजेंट उससे कहना क्या चाहता है। वो उसे अपने रास्ते से हटने के लिए कहता है, लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि वहां करीब 100-150 सेम टू सेम दिखने वाले एजेंट्स पहुंच जाते हैं और फिर शुरुआत होती है इस मूवी की वन ऑफ द बेस्ट फाइट की, जहां पर नियो एक एक करके उन सभी एजेंट्स को धूल चटा रहा होता है। वेल, यहां पर सारे एजेंट्स भी उसे कड़ी टक्कर देते हैं, लेकिन अब जैसा कि नियो महान शक्तिमान द चूज़न वन बन चुका होता है तो उसके सामने ये सब कहां टिकने वाले थे। और वहीं पर वो उड़ उड़ के सभी को पेल रहा होता है। मगर तभी हम देख पाते हैं कि उन एजेंट्स की तो गिनती कम हो ही नहीं रही है, वो तो धीरे धीरे करके और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अगर 100 उसके रास्ते से हटते हैं तो 200 पहुंच जाते हैं, और अगर 200 हटते हैं तो उसके सामने 400 पहुंच जाते हैं। इतने सारे एजेंट्स के होने की वजह से वहां पर नियो धीरे धीरे हार मानता हुआ नजर आता है, जिसके बाद में खुद एजेंट्स में ताकर उसकी बॉडी को भी अक्वायर करने के बारे में सोचता है, क्योंकि उसने ये सारे एजेंट सभी के शरीर में उंगली करके अपने आप के जैसे रिक्रिएट करे होते हैं। वो नियो के साथ में भी यही करता है, मगर हम देखते हैं कि नियो फिर से अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लेता है और वापस से अपने रियल वर्ल्ड में पहुंच जाता है। ट्रिनिटी उससे पूछती है कि तुम इतने हैरान क्यों लग रहे हो, तो नियो उसे बताता है कि वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर काफी सारे एजेंट स्मिथ जैसे दिखने वाले एजेंट्स पहुंच चुके हैं। हो सकता है कि ये मैट्रिक्स वर्ल्ड का कोई ग्लिच हो, मगर ये हम सबकी जान ले सकता है, क्योंकि हमें तो पहले सिर्फ एक एजेंट से डर था, अब तो वहां पर काफी सारे एजेंट्स हो चुके हैं। हालांकि ऐसा होते हुए उसने पहले कभी नहीं देखा था। स्मिथ ने किसी तरीके से लोगों को बदलकर अपने हमशक्ल बनाने का तरीका ढूंढ लिया है। मॉर्फियस उससे पूछता है कि तुमने ओरेकल से बात करी, आखिर उन्होंने तुम्हें क्या बताया? तो नियो मॉर्फियस को बताता है कि उन्होंने मुझे किसी चाबी वाले से मिलने के लिए कहा है, जिसके बाद में अब ये सभी लोग वापस से वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर जाकर एक शख्स से मिलने के लिए पहुंचते हैं जिसका नाम होता है मेरोविंजन, और ये वही शख्स होता है जिसने चाबी वाले को अपनी कैद में रख रखा होता है। नियो उसे कहता है कि हमें चाबी वाले की जरूरत है, मुझे उस तक पहुंचा दो। तो मेरोविंजन उसकी बात नहीं मानता और उसे वापस से यहां से जाने के लिए कह देता है। हालांकि नियो वहां से जाना तो नहीं चाहता था, मगर वो यहां पर वर्चुअल वर्ल्ड में आम इंसानों के बीच में झगड़ा भी नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो मॉर्फियस
और ट्रिनिटी के साथ में वापस से जाने लगता है, मगर तभी उसके रास्ते में मैरोविंजन की वाइफ आ जाती है और वो उसे कहती है, मैं तुम्हें जानती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं पहले तुमसे कभी मिल चुकी हूँ। मैं इस काम में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मगर इसके बदले तुम्हें हर्जाना चुकाना होगा। तो नियो कहता है कि वो क्या हर्जाना होगा। तो उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हें मुझे ट्रिनिटी के सामने किस करना होगा। हालांकि ट्रिनिटी को इस बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो तो नियो से प्यार करती थी, मगर अब नियो के पास में और कोई चारा भी नहीं होता है, क्योंकि उसे चाबी वाले की सख्त जरूरत थी। उन दोनों के ही बीच में किस होता है, जिसके बाद में वादे के मुताबिक उसकी वाइफ उन्हें चाबी वाले के पास तक पहुंचा देती है। मगर तभी वहां पर मैरोविंजन और उसके काफी सारे गार्ड्स पहुंच जाते हैं, जहां पर नियो अपने साथियों को कहता है कि आप लोग इस चाबी वाले को लेकर यहाँ से निकलो, इन सभी को मैं देखता हूँ। जिसके बाद में अगेन हमको यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा फाइटिंग सिक्वेंस दिखाया जाता है, लेकिन इस फाइट के अंदर एक ट्विस्ट था। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि मैरोविंजन की गार्ड्स के अंदर वो लोग भी शामिल थे जो कि बाकी इंसानों से काफी ज्यादा अलग थे। उनमें शामिल थे घोस्ट, वैम्पायर्स और एजेंट्स जैसी ही ताकत रखने वाले कुछ अलग प्रोग्राम्स। अब यहाँ पर नियो भी एक बेसिकली महान शक्तिमान होता है, इसलिए वो भी उनका तगड़ा सामना करता है। मगर चालाकी से मैरोविंजन के लोग नियो को एक अलग ही जगह पर दरवाजा खोलकर पहुंचा देते हैं, जो कि शहर से करीब 500 किलोमीटर दूर होता है। इसलिए नियो को वापस से उड़कर अपने शहर में आना होता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है ट्रिनिटी, मॉर्फियस और साथ ही चाबी वाले पर, जहां पर ये तीनों ही मैरोविंजन के लोगों से बचकर भाग रहे होते हैं। जहां एक तरफ तो वो गार्ड्स इनका पीछा कर रहे थे, वहीं इस वक्त तक अब शहर के अंदर एजेंट्स भी उनका पीछा करना चालू कर देते हैं, यानी कि दो दो मुसीबतें एक साथ। यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा कार चेजिंग सीन दिखाया जाता है। हालांकि यहाँ पर कई बार एजेंट्स और साथ ही मैरोविंजन के गार्ड्स के बीच में भी आमना सामना हो जाता है, मगर एजेंट्स कैसे तैसे करके मॉर्फियस तक पहुंच जाते हैं, जहां पर अब मॉर्फियस खुद एजेंट्स के साथ में फाइट करता है। मगर जैसा कि वहां पर वो घोस्ट जिन्हें कुछ भी नहीं हो सकता था, इसलिए वो सामने के ट्रक में बैठकर उनके ट्रक को एक जोरदार टक्कर देता है। लेकिन उसी वक्त वहां पर नियो पहुंच जाता है और ब्लास्ट के जस्ट कुछ ही मोमेंट पहले ही मॉर्फियस और उस चाबी वाले को लेकर वहां से निकल जाता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है ज़ाइन सिटी में, जहां पर अब कमांडर अपने सभी सोल्जर्स को रेडी कर रहा होता है और बताता है कि करीब 9 घंटों में सारी मशीनें ज़ाइन सिटी में पहुंचकर हमला कर देगी, इसलिए हम सभी को उनसे लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। यहाँ चाबी वाला मैट्रिक्स वर्ल्ड के अंदर नियो को रचियता तक पहुंचने का रास्ता बताता है और कहता है कि उसके सामने का दरवाजा सिर्फ 5 सेकंड तक ही खुला रहेगा, तो मैं काफी स्पीड में वहां तक पहुंचना होगा। तो नियो कहता है कि वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आप बस खाली उस दरवाजे की चाबी तैयार कीजिए। मगर वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसी वक्त वहां पर पहुंच जाता है खुद एजेंट स्मिथ। फन फैक्ट, कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर के अंदर रेड स्कल के रूप में हमें जो कैरेक्टर देखने को मिले, उनका नाम है ह्यूगो वीविंग, जिनका मूवी में नाम शिमिट था, और यहाँ पर इस मूवी में नाम इनका नाम एजेंट स्मिथ है। वेल पता नहीं सेम नाम सेम कैरेक्टर और साथ ही सेम पर्सनैलिटी वाले रोल क्यों मिलते हैं। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, जहाँ पर नियो काफी मुश्किलों का सामना करते हुए सारे एजेंट्स को पछाड़ कर मुख्य कंप्यूटर तक पहुंचने की कोशिश करता है, मगर इसी बीच चाबी वाला अपनी जान गंवा देता है। लेकिन मरने से पहले वो मेन कंप्यूटर रूम की चाबी उसे दे डालता है, जहाँ पर उस बिल्डिंग के ब्लास्ट होने से कुछ ही सेकंड पहले नियो अपनी फुल स्पीड में मेन कंप्यूटर रूम तक पहुंच जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात इस मैट्रिक्स के रचयिता से होती है, जिसे कि हम क्रिएटर भी कह सकते हैं। ये वही शख्स होता है जिसने इस पूरे मैट्रिक्स को बनाया है, यानी कि यहाँ की बिल्डिंगें, यहाँ के रूल्स, यहाँ के सभी इंसान, बच्चे, स्कूल, कॉलेज और साथ ही आम लोगों की आम जिंदगी, ये सब कुछ रचयिता का ही खेल था। यहाँ पर बेसिकली क्रिएटर मशीनों के लिए काम कर रहा होता है, क्योंकि मशीनें तो तभी जिंदा रहेंगी ना जब इंसानों के मस्तिष्क यानी कि माइंड की तरंगे उन्हें ऊर्जा देती रहेंगी। नियो से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ तक क्यों बुलवाया, तुम जानते थे कि मैं यहाँ तक आऊंगा तुमसे मिलने के लिए, आखिर मैं हूँ कौन। तो रचयिता उसे बताता है कि तुम हमारे सिस्टम में होने वाली गड़बड़ी का एक नतीजा हो, क्योंकि हर बार जब भी मैट्रिक्स बनता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट तो हो ही जाता है, और इस पूरे सिस्टम के फॉल्ट तुम हो, क्योंकि तुमने अपने आप को रूल्स से फ्री कर लिया है। तुम वो सारे काम कर सकते हो जो कि यहाँ के आम लोग नहीं कर सकते। तुम हमारी 6वीं गलती हो, यानी कि अभी तक ये 6th नियो था जो कि क्रिएटर से मिलने आया था, यानी कि इसके पहले 5 बार मैट्रिक्स को बनाकर खत्म किया जा चुका था। इन बातों को सुनकर तो नियो भी हैरान हो जाता है कि वो पहला नहीं है जो रचयिता तक पहुंचा है, उसके पहले भी 5 महान शक्तिमान रचयिता से मिलने आ चुके हैं। हालांकि नियो इन बातों को समझ नहीं पाता, तब रचयिता नियो से कहता है कि हर वक्त महान शक्तिमान को मुझ तक पहुंचने में काफी मुश्किलें आती हैं, और मिलने के बाद उन्हें एक फैसला करना होता है, और वही फैसले की घड़ी आज तुम्हारे सामने भी है। एक्चुअल में रचयिता नियो से ये कहना चाहता है कि हर वक्त जब हम एक मायाजाल को बनाते हैं,
तो वो कुछ टाइम पीरियड के लिए सही चलता है, और जब इसमें तुम्हारे जैसे ग्लिच आ जाते हैं तो उसका लास्ट पॉइंट मुझ तक ही आकर खत्म होता है। और सेम टू सेम इस बार भी होने वाला है, ये पूरी दुनिया, ये पूरा वर्चुअल वर्ल्ड खत्म होने वाला है। इसके बाद में एक और नई वर्चुअल वर्ल्ड की रचना होगी, मगर उसकी शुरुआत से पहले तुम्हें कुछ फैसले करने हैं। तुम्हें उन दोनों चीजों में से कोई एक चीज को चुनना है। पहली तो है ट्रिनिटी, जिसे कि तुमसे प्यार है, वहीं दूसरी तरफ मैं तुम्हें दूंगा 23 लोग, जिसके अंदर से 16 औरतें और 7 आदमी होंगे, जिनके साथ में तुम एक और नई दुनिया बना सकते हो। अब ये तुम्हें चूज करना है कि तुम इन दोनों में से क्या चूज करते हो। हालांकि पिछले 5 बार से हर वक्त यही होता आया था, मगर इस बार नियो अपना डिसीजन चेंज कर देता है और वो कहता है कि मुझे किसी को भी नहीं बचाना, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रिनिटी ही सबसे ऊपर है। जहां पर हम देख पाते हैं कि एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होने वाला होता है और ये पूरा मेन कंप्यूटर खत्म होने वाला होता है, जहां से नियो फुल स्पीड में निकलकर वहां से भाग चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देख पाते हैं कि नियो की जान को खतरे में देखकर ट्रिनिटी वहां पर उसे बचाने के लिए आई होती है, और ये वही फ्लैशबैक सीन होता है जो कि हमने इस मूवी की स्टार्टिंग में देखा होता है, जहां पर एक बिल्डिंग से कूद जाने के बाद में एक एजेंट ट्रिनिटी को गोली मारता है। मगर तभी हम देखते हैं कि वहां पर तो नियो आकर सबसे पहले ट्रिनिटी की जान बचा लेता है, और जो जमीन पर गिरता है वो और कोई नहीं बल्कि एजेंट होता है, जो कि एक कार पर गिरकर मारा जाता है। उस जगह से निकलने के बाद में दोनों ही एक छत के किनोर पर बैठे होते हैं, लेकिन तभी नियो देख पाता है कि इस वक्त तक ट्रिनिटी जान से मर चुकी है। उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया होता है, मगर नियो जानता था कि वो महान शक्तिमान है और उसके पास में इस पूरे वर्चुअल वर्ल्ड की पूरे गेम को बदल देने की शक्ति है। इसलिए वो अपनी पावर से उसके शरीर में हाथ डालकर उसके दिल को फिर से धड़का देता है, और वहीं से ट्रिनिटी फिर से जिंदा हो जाती है, जिसके बाद में ये दोनों ही अपने रियल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं। यहाँ पर नियो मॉर्फियस को बताता है कि जल्द ही सभी मशीनें 24 घंटों में ज़ाइन सिटी पर हमला करेंगी, हमें उन्हें रोकना होगा। मगर तभी कुछ मशीनें अपने एक टाइम बॉम्ब को उन्हीं के जहाज पर फेंक देती है, जिसकी वजह से उनके जहाज को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है, और ये लोग अपने जहाज से उतरकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। इस वक्त तक उनके पीछे काफी सारी मशीन पड़ चुकी होती है, लेकिन तब नियो सोचता है कि मुझे भागना नहीं है, मुझे इन सभी का सामना करना है, और वो उन सभी के सामने एक ढाल बनकर खड़ा हो जाता है और अपने एक हाथ से उन सारी मशीन्स को वहीं पर रोक देता है। लेकिन ऐसा करने पर उसके शरीर से काफी सारी शक्ति चली जाती है और वो वहीं पर गिर जाता है। हालांकि ऐसा करने पर नियो ने उन सभी की जान तो बचा ली थी, मगर खतरा इस वक्त भी टला नहीं होता है। जब नियो को शिप में वापस लेकर आया जाता है तो पता चलता है कि नियो तो कोमा में चला गया है। वहीं दूसरी ओर हम उस शख्स को भी देखते हैं जिसका शुरुआत में एजेंट स्पिथ ने अपनी बॉडी के साथ में ट्रांसप्लांट कर लिया होता है, और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइस, क्या होगा इसके नेक्स्ट पार्ट में? क्या इस बदले हुए शरीर का ट्रांसप्लांट एजेंट स्मिथ इन सभी को जान से मार डालेगा, या फिर 24 घंटों में जो मशीनें ज़ाइन सिटी पर पहुंचने वाली है वो उस पूरी सिटी को ही खत्म कर देंगे, या फिर महान शक्तिमान फिर से उठ खड़ा होगा और उन सभी को धूल चटा देगा? तो इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि इसका अगला पार्ट मैं जल्दी अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ, एंड वन मोर टाइम गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। O parti già, portami via, bella ciao. E seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel Sono alzato e ho trovato invasore.